हरियाणा की जनता ने पूरा आशीर्वाद हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हरियाणा में हमारी जीत विकास की जीत है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जीत है। और निस्संदेह हरियाणा की जनता ने कमाल किया है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को जो उन्होंने स्वीकार किया है, निस्संदेह भारत में अभी और ऐसे नए कीर्तिमान बनेंगे। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मेरे बिना समर्थन के कोई सरकार नहीं बनेगी और दिल्ली में भी इलेक्शन होगा। आप अरविंद केजरीवाल को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं जी? एक जमानती अपराधी जो जमानत पे छूटा हुआ है, दिल्ली में दिल्ली का बेटा बनता है, हरियाणा में हरियाणा का लाल बनता है, तो उसका दोगला चरित्र दिल्ली और हरियाणा की जनता ने देख लिया है और उन्होंने अपना वर्डिक्ट साफ कर दिया। दिल्ली में भी अब अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू है। मेरा मानना है, मैं जहां जहां गया और जिस जिस ने पूछा हमसे, मैंने सबसे कहा कि देखो, ग्राउंड की सच्चाई कुछ अलग है। जो लोग बातें कर रहे हैं टीवी चैनल पे, ड्राइंग रूम में, उनकी बातों से जो मैं ग्राउंड पे देख रहा था वो मेल नहीं खाता है। और फरीदाबाद के क्षेत्रों में, इधर गुड़गांव के क्षेत्रों में, मैं जहां जहां भी गया हूं, उसके बाद हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में, मैं तो ऐसा सैलाब देखता था कि जो लोग बातें करते थे मुझे कंफ्यूजन हो जाता था। और मैं मानता हूं कि हरियाणा की जनता, अभी जो रुझान आ रहा है, मैं अभी फाइनल कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, ईश्वर हमेशा सुनता है और हमको अभिमान इसका नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी इसको अभिमान नहीं करती है, बल्कि जनादेश का सम्मान करती है। लेकिन हमें ऐसे रिजल्ट का पहले से रूपरेखा दिख रही थी। कंफ्यूजन जरूर होता था जब हम कुछ लोगों की बातें सुनते थे, तो अभी यह स्पष्ट हो गया है कि आप कहीं कमरे में बैठ करके बात कर रहे हैं, उसमें आपकी बहुत सारी मनोदशा हो सकती है, मगर जनता, लोग जो हैं, वो काम करने वालों पे, सच्चाई के साथ चलने वालों पे, सबको साथ लेकर चलने वालों के लिए, और जो साजिश वाजिश में ज्यादा नहीं जाता है, अपशब्द नहीं बोलता है, उसके साथ चलने को तैयार है। और मैं बहुत सारे इलाकों, देखो हरियाणा में ना एक और फैक्टर है, वहां यूपी बिहार के बहुत सारे लोग हैं और मैं अक्सर जहां वहीं जाता हूं जहां पूर्वांचल के लोग रहते हैं, उनका जो भाव देखता था मैं, वो देखने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल हमें उससे समानता दिख रही है। बाकी अंत तक यही रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। और जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे।